सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फिर वहां नारद जी भी डायरेक्टली उपदेश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, मैं आपको इतिहास का एक कहानी बताता हूँ। फिर अत्रापि उदाहरणतीमं इतिहासं पुरातनं आर्षबाणां च संवादं विदेहस्य महात्मना। सो विदेह नगरी न वैदेही, जनक जी की पुत्री है कि नहीं, तो विदेह नगर में बहुत सारे विदेह राजाए हुए हैं। एक जगह का बहुत सारे राजा आते जाते रहते हैं। वन ऑफ देम वाज जनक जी, उनको फिर जाने की हुई, उनका नाम वैदेही बना, फिर जनकपुरी भी उसको कहते हैं। तो विदेह नगरी का एक राजा हुए थे, उनका नाम राजा निमी, व्हाट इज हिज नेम, फिर उनका वंश विस्तार होता थे। और उस निमी के पास एक बार महान दिव्य तप साधना ज्ञान में रहने वाले नव योगी लोग जो है, योगी मीन्स सारे योगों को परिपूर्णता से जिन्होंने साधना करके अनुभव में ले आए हैं, वो सब इकट्ठा पहुंच गए। कौन है नव योगी? हमने देखा इनको पांच वास करने में, याद है? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना या हाँ। तो जो हुए ऋषभ देव जी भगवान का अवतार, फिर उनके पुत्र हुए 100, उनमें से बड़े वाला भरत, उनके और नेक्स्ट 9 पुत्र, देन अगेन द 9 केम, वो कवि लोग उनको बाद में देखेंगे, वी टोल्ड यू मेट अ फॉरगॉटन। उसके बाद वाले 81 भी सब ध्यान मग्न होकर परमात्मा को प्राप्त किए हैं। वो नव योगियों का यहाँ संवाद और डिस्कशन विद विदेह राजा निमी, जिसमें वसुदेव जी ने जो प्रश्न पूछा, जो जानने वाले चीजें हैं भक्ति विवेक ज्ञान कर्म ज्ञान के बारे में, वो सारे यहाँ आ जाते हैं। उन नव योगियों का नाम तो आप रिपीट करो, बोलो कवि ही, हरि ही, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमसः, करभाजनः। गिना आपने, नहीं हो गया ना, कवि हरि अंतरिक्ष प्रभुत्व पिपलायन आयुर्वेद द्रुमिला चमसः करभाजनः। करभाजनः कर भोजन नहीं, वो तो हम है भोजन करने वाले। फिर जब वहां गए राजा निमी, उनका बढ़िया प्रेम से आदर सत्कार, पुराणों में सब में ये आ ही जाता है, बाय ऑल मीन्स हम्बल डिवोटेड सर्विस ओरिएंटेड, विनम्र रहो, भक्ति प्रेम रखो, सेवा में रहो। सेवा करने से क्या जाने वाला है, एक ही चीज जाएगा, हमारा अहंकार, वही तो बड़ा शत्रु है। बढ़िया। देन स्पेशली जब ऐसे ज्ञान देने वाले तारने वाले बुजुर्ग होते हैं, तो विदेह तार अभिप्रेत्य नारायण परायणानु स्प्रीता संपूजा चक्रे आसन स्थान तार हथा बिठाकर संपूजा वगैरह किया है। फिर विदेह जी कहते हैं, मन्ये भगवत पार्षदान साक्षात वा मधुद्विषा विष्णु और भक्ता ही लोकना पावनाएं चलती, लोगों को पावन करना के लिए अब जैसे विष्णु भक्त चरण करते रहते हैं ना, उदमंगल संश समाजा जे जग जंगमा तीरथ राजा। फिर ये जो विवेक चूड़ामणि में शंकर भगवान बढ़िया लिखते हैं, सही वही पढ़कर तुलसीदास ने लिखा होगा, शांता महांतो निवसंति संतः वसंत वल्लोक चरंता तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतु नान्यान पितारयंती। एक्सलेंट। वसंत ऋतु के समान ये संत लोग चलते रहते हैं ना, व्हेन दैट वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन कम्स द होल वर्ल्ड बिकम सो रिजुवेनेटेड रिफ्रेश्ड एंड ब्यूटीफुल बनता है। वसंतवत लोकयतम तीर्णा स्वयं, खुद वो पार कर चुके हैं, अन्य भी तैयार है, बाकी को भी पार करते हैं। व्हाई डू दे डू लाइक दिस, आई एम स्वभाव स्वतएव यत परावनोद श्रवण परमात्मनात्मनाम, दूसरों का कष्ट दुख दूर करना उनके लिए स्वभाव है। एग्जाम्पल देते वहां, दिन भर जो सूरज के गर्मी से पृथ्वी और पृथ्वीवासी जो इतने गर्मी से दुखी होने लगते हैं, तो चंदा मामा आकर
सबको ठंडा पहुंचाते कि नहीं, ये उनका स्वभाव है चंदा मामा का, वैसा ही सुदाम सुदेश स्वयं हरक कर्कश प्रभावित अवति क्षितिम किला, वैसे ये वहां शिष्य गुरु को ऐसा पूछकर उनसे पूछते हैं, ब्रह्मानंद रसानुभूति करित भूत सुषित ऋत युष्म कलशोजित सुसुख वाक्यामृत शेषय संतप्त भवता पदावधान ज्वाला विलीन प्रभो धन्यास्ते भव दीक्षण क्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता। ऐसा एक्सलेंट श्लोक कि आप जैसे महासंतों का कटाक्ष वीक्षण एक बार भी किसी के ऊपर गिरता है वो लोग धन्य है, आप अपने अमृत कलश रूपी मुखारविंद से अमृत रूपी वाणी से हम सब जो संसार में दुखी हैं हमका हमारा सेचन करो, है ना। कभी कभी बहुत गर्मी से आते हैं, घर में बढ़िया सा फव्वारा लगा हो, पक्खा लगा हो, एसी लगा हो, आपके तरफ 16 नंबर लगा के हाँ लगता है कि नहीं, जिस वक्त एक्सटर्नल बॉडी इंटरनल आक्सो ये सब इस तरह हो सराहना करके पपरा चपरपिता अतः देखो दुर्लभ मानुष्य देह मिलना ये भी क्या है, क्षण भंगुर है। आयो नश्चित पशिता प्रतिम प्रत्ययतिगता पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षका, इन क्षण भंगुर बोलते हैं देह को क्षण भंगुर। एक योग वाशिष्ठ में कहते हैं आयु कल्लोल लोल वसिता और आयु लंबाम्बु क्षण भंगुरम, मतलब एक पेड़ है, पेड़ का डाली है, एक पत्ता है, पत्ते के कोने पे एक बूंद पानी लटक रहा है आयु पल्लव कोणाग्र लंबा क्षण भंगुरम बोलते हैं। वो कब टपकेगा पता है क्या किसी को हवा इतना लगा गया पानी लगे गल जावे, आग लगे जल जावे, हवा लगे उड़ जावे, धूप लगे मुर जावे, कल सुना कि नहीं गाना परसों। तो ये कहते हो फिर तत्रा भी दुर्लभम वैकुंठ फेदर, अब जब भक्तों का मिलना तो और भी दुर्लभ है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग ऑल द टाइम अपॉर्चुनिटी अतः आत्यंतिकम क्षेम प्रोच्चामो भवतः अस्मिन् संसारे क्षणार्थ भी सत्संग सेवदीनुणाम। आत्यंत क्षेम क्या है पूछते हैं और इस संसार में आधा सेकंड भी सत्संग मिलना जो है सेवदी, सेवदी मीन्स बहुत बड़ा खजाना है और पार करने के लिए एक बड़ा सा एक नाव भी कहो या ब्रिज भी कहो हाफ सेकंड। और इसकी कहानियां बहुत आते हैं नारद जी के जीवन में वगैरह, यू विल सी दैट लिटिल ऑफ सत्संग इनफ फॉर द होल ट्रेन एंड हर जगह हम वही देखते हैं, मेट वन ग्रेट मास्टर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उनका उपदेश टोटली ट्रांसफर हो गए, देन दे रीच टू द हायर हाइट्स। सत्संग की बात है, हम कितने लोगों का वहां देखा है, ओ प्राचीन बरही का कहानी देखा है कि नहीं, बोलो प्राचीन बरही नारद संवाद जो दिखा कर कहते पूरे सत्संगान मुक्त संगा वो सत्संगे निस्तत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, फिर धर्मान भागवतान ब्रूता यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दासते आत्मानोऽप्यंसा। तो भागवत धर्मों को हम सुनने लायक है आप मानते हो तो कृपा करके प्रसन्न हुए तो आप सुनाइएगा। किन्होंने पूछा, राजा निमी विदेह राजा निमी ने किनसे पूछा, आपसे पूछा, किनसे पूछा, बोलो बाबा नवयोगियों से पूछा। सब कल दोपहर के बाद जीवन मुक्त हो जाओ, कल तक मेरे पास रहो मौका दिया सब समाधि में चले जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस की तरह हम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मासि ब्रह्मासि तो फिर इनके प्रश्न का पहला वाला प्रश्न का उत्तर महाराज कवि जी देते हैं, लेकिन होल डिस्कशन एक एक क्वेश्चन आंसर ईच ऑफ द गुरु और योगी एक एक प्रश्न का पूरा विस्तार से सुंदर आंसर देते हैं, इट बिकम्स अगेन ए सप्ताह, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, लाइक फिजिक्स किताब आपने बोला इतना इतना क्लास का, तो फर्स्ट पेज पे टॉपिक कंटेंट्स होते हैं कि नहीं, साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिर व्हेन यू पेजेस देखते हो उसका एक्सप्लेनेशन, राइट। यहाँ भी प्रश्न का डायरेक्ट आंसर उसका एलाबोरेशन, पॉइंट क्या है आपको उसका अर्थ समझ में पूरा आना चाहिए। फिर मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम् अत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेः हस्तात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। नाउ आई कांट एक्सप्लेन ऑल दिस, इतना कहते हैं कि कवि जी कहते पहले वाले मैं मानता हूं कि वो भगवान जिनका पादाम्बुज सेवन करने से अकुतश्चित भयम
कुतश्चित भयम मतलब कहीं ना कहीं से डर। हम सब हमेशा कुतश्चित भयम में रहते हैं, फियर फ्रॉम सम नुक और कॉर्नर, हमेशा भय से डर लगने लगता है, कौन आएगा क्या होगा, और थोड़ा सा घुटने में दर्द है तो मेरे घुटने खराब तो नहीं हुए, फिर थोड़ा सा इधर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया, मेरा दिल का दौरा तो नहीं पड़ा। भाई लगता ही है कुछ होने वाला है, इनके कारण कितने लोगों को दिल का दौरा पड़ा, ये तो स्ट्रॉन्ग आयरन बॉडी। लेकिन भय लगता है, आने में जाने में बिजनेस में इधर उधर भयग्रस्त है। अज्ञानी का लक्षण भय, रागी द्वेषी का लक्षण भय है, इसलिए उसमें वैराग्य शतक में भरतवर जी लिखते हैं, भोगे रोग भयम कुले चित भयम माने दैन्य भयम वित्तीय रूपालात भयम रूपे जराया भयम काय कृतदात भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भूमि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। पावरफुल। सो कुतश्चित भय वाले हम सब है, तो भगवान कौन है, अकुतश्चित भया मीन्स जिनके शरण लेने से हमें कहीं से भी किसी भी तरह का डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभय प्रदाता है, अभय देंगे ना, अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि एतद् व्रतम् मम, रामायण का हमने देखा है। तो ऐसे भगवान का शरणारविंद को सेवा करना ही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। देन उद्विग्न बुद्धेः असदात्म भावात् विश्वात्मनैत निवर्तते भी, तो जिनका जगत से भय है सब निकल जाएगा भगवान के चरणा करने से। देन इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड सो डिटेल्डली, दो बातें यहाँ लिखते हैं जो आप डेली पढ़ने वाला श्लोक यहाँ आता है, एक आखिरी सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् नारायणायेति समर्पयामि। तो काया विद बॉडी, वाचा स्पीच मनसा माइंड बुद्धिया इंटेलेक्ट आत्मनावा ईगो, करो भी अद्य सकल, जो भी मैं कर रहा हूं बोलो नारायणाय, बोलिए इति समर्पयामि, भगवान का समर्पण। तो इसका रहस्य इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नारायण को समर्पण करना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर नारायण को समर्पण करने योग्य काम करना है सर, गॉट द पॉइंट में, उससे नारायण को कुछ मिलने वाला नहीं है, उसे हमारा उद्धार कल्याण हो जाए। जैसे कि नारायण को आप नैवेद्य समर्पण कराना चाहते हो तो व्हाट टाइप ऑफ नैवेद्य मिल गयू, 6 दिन पहले जो फ्रिज में रखा था निकाल के गर्म करके भगवान खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ, ऐसा बोलोगे क्या, दसो फिर क्या करोगे, फ्रेश वाला लाएंगे कि बनाएंगे, बनाना है कि नहीं, जो बनाना है तो फिर सुबह उठना नहाना सब हो गया ना, फिर इससे फायदा किसका हुआ, बनाने वाले को हुआ। फिर भगवान के साथ साथ भगवान लकीली जो नैवेद्य देते हैं खाते नहीं, उनको पता है खाने लगेंगे कोई देते नहीं। और फिर नजरों से खा लेते हैं, फिर बाकी प्रसाद करके देते हैं, और भगवान के कोई लोग हमें खेते भी, हंसी मजाक में सत्य भी होता है, स्वामी जी आप हमारे घर आए हैं आपके वजह से हमें भी इतने सारे बिंजन वाला भोजन मिला, नहीं तो 3 दिन पहले का गर्म करके देते। लॉट ऑफ टाइम जैसे गुड फ्रेश फूड केम स्वामी, इसलिए कभी भी गाया करो, उपदेश नहीं देना ठीक है बाबा, सत्संग नहीं करना। तो देन वो वाला फ्रेश खाना जिन्होंने बनाया उनको भी मिल गया कि नहीं, फायदा किसको है, हमें ही है। देयरफॉर ऑफरिंग टू द गॉड बट वर्थी ऑफ ऑफरिंग टू द गॉड, है ना, अपने मन को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरा, इतना द्वेष राग से अहंकार से भरकर भगवान के सामने जाकर गिड़गिड़ाए, भगवान मेरी जिन्नी चादरिया फट गई है, मैं तुमको समर्पण कर रहा हूँ, भगवान नालायक क्या करूं मैं तुम्हें लेकर। इज इट नॉट, शुड नॉट गो टू गॉड लाइक दैट, हमें सब फ्रेश एंड एक्टिव डायनामिक रेडीनेस के साथ जाना, मे द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू अस टू द वर्ल्ड अराउंड अस, वी आर फिट फॉर दैट वर्क, ऐसा चेन गुरुदेव जी ने अपने प्लेज में कहते हैं, करो यद्यत नारायणाय सब, तो नारायण के समर्पण के भाव से सब करना है, लाइक गोपियों ने किया है, फॉर एवरी एक्सप्लेनेशन गोपिकाज आर द एग्जाम्पल, फिर आप रिलेट कर लेना, आई कांट कोट एवरी टाइम, सोम नारायणाय सब एक हो गया ना। फिर कहते हैं सुन्वन सुभद्रा नहीं भयम द्वितीया भी निमेशतः स्यातु, तो भय कहां से होता है कि द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय भयम भवति,
वेयर देयर आर टू देयर इज ऑलवेज फियर. तो फियर के कारण मिजरी होता है. फियर बहुत तरह के होते हैं, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसेप्शन, फियर ऑफ मिजरी, फियर ऑफ लूजिंग, हर तरह का होता है. नो दैट इज डिफरेंट वेदांत. तो मेन रूप में जहां दो है वहां डर है. तो डर मिटाने के लिए क्या करना है, दो के बजाय एक होना है. और एक कैसा होगा, दो में से एक को भगाने से नहीं, दो में जो एक विराजमान है उनको पकड़ने. और एक कौन है, दो में या दस में या हजार में, एक है ना प्रोडक्ट है ना बहुधा विशुद्ध भूकम. गीता में कहते हैं साथ है, हमको लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, तो एक ही है जो सारे विश्व में भगवान है. ऐसा उनको ही सब भी देखोगे तो भय गया. द्वितीय भयम भवती एकत्व अभय स्यातु, ये वाला उन्होंने कहा. फिर सुन्वन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि देन गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जा विसरेद असंगा. भगवान के नाम लेते हुए गाते हुए वो इन अंदर जो फीलिंग ऑफ ईगो शाइनेस वो सब दूर रख के असंग होकर चलते रहना. जैसे आज सुबह के रुक्मिणी विवाह के समय परसों भी कृष्ण सब लोग बढ़िया ढंग से भगवान के लिए नाच गाना किए कि नहीं बोलो. फिर हर दिन भोजन के समय सम पीपल आर कमिंग एंड सर्विंग एंड ऑल, और साथ में भगवान नाम होकर सभ्य भगवान को देखकर भगवान के लिए कर रहे ऐसे भाव लाए तो साधना कंप्लीट हो जाती. That is how I have to live. फिर भक्ति परेशा अनुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एककाला प्रवद्य मानस्य दास्तस्य हो तुष्टि पुष्टि अपायोनुघासम. देखो भगवान की सेवा करने से, जैसे भोजन करने से तीन फल मिलते हैं, एक तो क्षुधा निवृत्ति है कि नहीं बोलो, दूसरा तुष्टि, तीसरा तृप्ति. तीनों देना, हंगर मिजरी चला जाता है, देन आपको खुराक मिल जाता है, फिर तृप्ति भी हो जाती है. और ये खाना ही एक जगह है जहां तृप्त हो जाते हैं मनुष्य, बाकी कहीं भी तृप्त नहीं होगा. एवजन में तृप्त, जितना भी अच्छा वाला खाना दे दो, खाने के एक समय के बाद और भी परोसेंगे तो बोलोगे कि नहीं भैया पेट भर गया, पैक करके दो घर जाके खाऊं. अभी तो नहीं, बाद में. तृप्ति. इसी तरह से भगवत भक्ति करने से क्षुधा दुख, क्षुधा रूपी दुख भी चला जाएगा, फिर आनंद रूप पुष्टि भी मिल जाएगा, फिर भगवान को हमने पाया ऐसा तृप्ति भी मिल जाएगा. तुष्टि ही फिर तृप्ति है, तुष्टि ही पुष्टि क्षुध अपाया. भगवान भक्ति में तीनों मिल जाते हैं. तथा परम शांति मुपैति साक्षात, स्लोली वो भागवत बनते बनते परम शांति को प्राप्त करता है. ये महाराज कवि ने जवाब दिया. किनको, किनको बाबा बोलो आप जवाब. नीमी को दिया, हमको थोड़ी दिया, डरते क्यों. उन्होंने उनको दिया, उन्होंने लिया और उनको दिया, हम बस आए गए जय. नो बी अटेंटिव. फिर दूसरा वाला प्रश्न, राजा उवाचा अत भागवतम ब्रूता यद धर्मो या दुषो नृणाम यथाचरत यद ब्रूते यही लिंगैर भगवत प्रियः. फिर भागवत जो बन गया है उनके लक्षण क्या है, कैसे उन्हें पहचाने, आप बताइए करके राजा निमि जी पूछते हैं. गीता जी में भी कई लिंगाई त्रिगुणाने दानादि तो भवति प्रभो 14 चैप्टर. और दूसरे चैप्टर में क्या कहते हैं, सीता प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य हे केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. तो ही वॉन्ट्स टू नो द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट डिवोटी ज्ञानी. क्यों पूछते हैं गीता में, क्योंकि अगर नॉलेज और क्वालिटी सब हमारे पास ऑलरेडी है तुम्हारो, तो हम ज्ञानी बन गए, साधना क्यों करें. नहीं बोलो, सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि. आत्मा सिद्ध भक्तों के लक्षण हमारे लिए साधनाएं बनते हैं, इसलिए जानना है. गीताजी में सेकंड में सिद्ध प्रज्ञ लक्षण, 12 में भक्त के लक्षण, 13 में ज्ञान साधना के लक्षण, 16 में दैवी संपदा सब दिया है. अब एक सत्य सबसे ज्ञान हो गया उसे अद्वेष्टा सर्वभूतानां अमानित्वमदं भित्वम यहाँ प्रजात यदा कामान. यू हैव टू रीड द बुक्स. फिर रामायण में क्या परसों कोट किया तुलसी जी ने वाल्मीकि में, पहले ही राम जी के लक्षण. इसलिए मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुण अब्दये, उनका नाम है महनीय गुणों का समुद्र है वो. वी मस्ट नो दी क्वालिटीज, क्योंकि डायरेक्टली साधना करना मुश्किल है, इसलिए उनके जो शुभ लक्षणों को अब बस फॉलो कर दो,
वो सुबह 5 बजे उठे, हमारे गुरु महाराज 5 बजे उठते हैं, बस हम उनको फॉलो करते हैं, हम भी उठ जाए। दिस इज व्हाट वन यू डू, इट इज अवर बेनिफिट। लाइक फॉर एवरीथिंग, हम मिशन में जो डिस्कशन करते हैं, कुछ भी काम करना निर्णय लेना है, हमारे गुरुदेव जी प्रमाण है। एंड एनी इश्यू कम्स, रिमेंबर दैट, एनी इकोनॉमिकल इश्यू, पॉलिटिकल इश्यू, और मंदिर बनाने, व्हाट एवर ही हैज बिकम, हम सब के लिए ये तो गाइडिंग, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में सब चीजों का बेस्ट क्या है, कई करके, कई दिखा के, कई लिख के उन्होंने दिया है। इट्स ब्यूटिफुल, इसीलिए संत महात्माओं का जीवन ही एक शास्त्र है। द लाइफ इटसेल्फ इज एक स्क्रिप्चर, यू मस्ट नो इट, जानते रहो। पर ऐसे वाले संत में मिल गए ना, गुरुदेव मिल गए हमको, जन्म धन्य हो गया, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम, है ना। पर बैठ गए उस गाड़ी में, गाड़ी आए रे चाल ली सदगुरु राय जी, गाड़ी में बैठे हम, चल रहे, बीच में उतरना नहीं, बस पहुंचा देंगे वो हमको। भक्तों के लक्षण पे थोड़ा सा हम देखेंगे। हाँ, हरि भगवान, हरि महाराज कहते हैं, जो दूसरे वाले योगी है, उनका नाम है हरि। हरि उवाच, सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवति आत्मनि, एष भागवतोत्तमः। ये है उत्तम भागवत के लक्षण। वो कौन है? वो जो सारे जीवों में भगवान के अस्तित्व को देखते हैं और सारे विश्व को भगवान में देखते हैं। ये देखना टेम्पररी, एक बार गीता के श्लोक याद रख के या किसी ने सुनाया और सुन करके नहीं, अगेन आई एम सेइंग इट इज एन एक्सपीरियंस। आने में टाइम लगता है, बट करते रहो साधना, वो टाइम आ जाता है। Don't see the body or mind, anything of the people. See only the God in them. भगवान ही है उसमें। वो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजली के कारण थोड़ी कर रहे हैं, बोलो कौन सी चेतना के कारण कर रहे हैं, वही भगवान तो है। क्वेश्चन ही नहीं है, पूछ रहे हैं कि भगवान है कि नहीं उस व्यक्ति में, भगवान ही है, बाकी जो है वो दिख रहा है बस। Don't give importance to जो दिखावा है, जो है हकीकत उसको देखना। फिर ऐसे व्यक्ति कैसा रहेगा कॉन्सिक्वेंस में, इस अध्याय को जब विस्तार से पढ़ाना है तो ये सब विश्लेषण करके सुनाते हैं। जब सब में भगवान को, भगवान में सबको देखा, तो अंतरंग में कैसा रहेगा? इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत जानता तत्र कोमो कशो का एकत्वम अनुपश्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव उपसते सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति अर्जुन। आई एम कोटिंग उपनिषद एंड गीता, नॉट फॉर यू कि आप सब, मैं अपने आप के लिए कर रहा हूं, क्योंकि भागवत में, रामायण में तुलसीदास जैसे कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, है कि नहीं? इस तरह से तो क्या हुआ, जब भगवान को देखते हैं तो सिवाय प्रेम, सिवाय सेवा, सिवाय अच्छी वाणी का, कोई जबरदस्ती भी करो भी नहीं निकलेगा। उत्तम भागवत की लक्ष्य। फिर मध्यम कौन है? ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेशु द्विवत्सुषा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सा मध्यमा। मध्यम भागवत क्या है? व्यक्ति को देखकर उनके हिसाब से रिलेट करता है, ईश्वर के प्रति क्या करता है वो? प्रेमा। ओके, तद अधीनेशु मैत्री, फिर दीनेशु कृपा, फिर जो बालिशेषु उपेक्षा, और द्विशत्सु, बालिशेषु द्विशत्सु मीन्स जो नेगेटिव पीपल है उनके प्रति उपेक्षा करना, जो भगवान के प्रति प्रेम रखना, उनके भक्तों के प्रति मैत्री रखना, ये जो रिलेट करता है, जिससे जैसे रहना है वैसे रहो, बी एनिमी टू एनी पीपल पर्सन, बी फ्रेंडली टू फ्रेंडली पर्सन, यह है दूसरे लेवल का भागवतोत्तम। मतलब तो साधना कर रहा है लेकिन उनका एटीट्यूड जब लोग सामने आते हैं ऐसा बदलता है। भक्त होते हैं अपने साधना काल में, लेकिन कुछ लोग आते हैं ना, वो मेरे से लड़ते हैं ना, मैं भी लड़ते दिखाऊंगा, मेरे को देखकर हंसते नहीं मैं भी नहीं हंसूंगा, हम मुझे हरिओम नहीं बोलेंगे मैं क्यों बोलू, वो मेरे घर बुलाए नहीं मैं भी नहीं बुलाऊंगा उनको घर में, ये सब चित्र विचित्र क्या कर रहे हैं, अरे बाबा भगवान बचाओ। ये दो हो गए। तीसरे वाले लिखो ने अर्चायाम एव हरे पूजायाम श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु न च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। थर्ड लेवल ऑफ डिवोटी कौन है? सिर्फ भगवान के मूर्ति फोटो तक ही उनकी भक्ति रहती है, वही पूजा पाठ करते हैं, और ना भगवान के भक्तों को ना दूसरे मनुष्यों को थोड़ा भी खैर नहीं करते, प्रेम नहीं करते। थर्ड लेवल, बट देन डोंट हेट दिस, ये थर्ड से ही सेकंड में आएंगे।
सेकंड से ही फर्स्ट में आएंगे। तो कहीं ना कहीं तो शुरू करना है ना, कहां करें अपने मूर्ति पूजा रूप में जो भगवान का फोटो एटलीस्ट ऑफ दैट टाइम, लेकिन उसको सिंसियर करना है। फिर वहां भी जाकर पूजा के जगह मन में सारे विचार लाओगे तो कैसा रहेगा पता है? तो माँ बच्चों को कह रही, अरे भागो अपने अपने गुफा में, तुम्हारे पापा पूजा करके आ रहे हैं। वजन पूजा के समय उनको घंटी बजी तो गुस्सा आया, फिर ये फोन बजा गुस्सा आ गया, बच्चों ने रोया तो गुस्सा आया, सारे गुस्साए भरकर पूजा ऐसे कर रहे, पहले भगवान को खत्म करो बाद उनको खत्म करो। उस समय पूजा में ऐसा होता है कि ओम कृष्णाय नमः, भगवान की तरफ ऐसे फूल फेंकते हैं, भगवान कहते हैं अरे छोड़ो यार क्या मार रहे मैंने, और भगवान मूर्ति छोटी होती है, एक गेंदे का फूल लगे वो गिर भी जाते हैं, क्या भगवान हो, खड़े भी नहीं हो सकते। विचित्र ढंग की पूजा होते हैं, ऐसे चंदन लगाते हैं वो लड़क गुस्से में पूरा आंखों में वगैरह, आप लगा के देखो चंदन आंख में कैसे होगा। पहले दिन से देख रहा हूँ हमारे कन्हैया लाल को चंदन आंख में लगा है, वो कह रहे जल्दी मुझको विजयवाड़ा में ले जाओ, येलो आंख में नाक को दम कर रहे हैं। जितना आप प्रेम से अपना मेकअप जुलकअप जुलेकअप करते हो ऐसे भगवान का भी करना चाहिए। पर वो भी टेम्परली वहां किया, लेकिन बाहर आकर अंदर भक्त प्रहलाद बाहर हिरण्यकश्यप। दिस इज द थर्ड लेवल, बट हाईएस्ट लेवल क्या है? न काम कर्म बीजानाम यत्र चेतसि संभवः, बहुत सुंदर शब्द है, वासुदेव एक निलयः सवई भागवतोत्तम, मतलब क्या हुआ, जिनके ना कोई कामना का कर्म का चेतस में एक भी तिनका नहीं है, संभव भी नहीं है, विल मूव इन द सेम वर्ल्ड पर नेवर अलाउस वर्ल्ड को अंदर जाने नहीं देंगे, बीच भी नहीं है उनका, एक अगर 50%। दूसरा वासुदेव एक निलय, उनके अंदर किनका निलय है, वासुदेव का, और वो जगत पूरे में वासुदेव को ही देखते हैं, वासुदेव एक निलय, निलय मतलब रहना, आपके घर के सामने भी लिखा था लक्ष्मी निलयम है, बालाजी निलयम, निलयम और आलयम और धाम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, सुखदेव धाम या आश्रम, तो उनके लिए वासुदेव ही का निलया। कुछ ही दिन मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद धीरे आदत होने लगता है, क्या एक भी बीज भी नहीं होना है वासना कर्म का, फिर भगवान को सब जगह देखना है, न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सच्यते अस्मिन् अहम् भावः देहे वयसा हरे प्रिया, इज ट्रांसेंडिंग ऑल वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम की दृष्टि जरूरी है धर्म स्थापना के लिए, सोसाइटी को अच्छी तरह से चलाने के लिए, साधना के स्थिति जब आती है ना, नो वर्ण नो आश्रम, सब वर्ण आश्रम के रूप में भगवान ही, नोबडी इज लाइक शूद्र भगवान दैट फॉर्म, नोबडी इज लाइक क्षत्रिय, लॉर्ड इज प्लेइंग हिज पार्ट इन सो मेनी फॉर्म्स दिस वे। जैसे मैं भी अपने देह में देह के अंगों के द्वारा एक एक समय एक एक काम करता हूं कि नहीं, जब बुद्धि से सोचता हूं मैं ही ब्राह्मण हूं है कि नहीं, मैं जब भी कुछ काम ऐसे काज करता हूं हाथ पैर से तभी मैं ही क्षत्रिय हूं, जब बैठकर खाने खाने लगता हूं मैं ही वैश्य हूं, सेठ जी पेट जी होते कि नहीं, वैश्यों का ज्यादातर क्या है ना, आराम से सेठ जी बैठ गए, स्वामी जी आपने जो कहा सब जगह आत्मा को देखो ये ज्ञान मेरे को हो गया, इसका मतलब क्या है, जहां भी देखता हूं वही हूं। ये वैश्य का लक्षण, जो सेवाएं होते हैं अपने हाथ से ही वैसे, ये सब क्या है, हम ही सूत्र है, वी डोंट वी बिकम एट होम डेली चार बंदे कि नहीं बोलो, हाँ या ना, वी हैव टू बी, इस तरह से उनमें कोई भेदभाव नहीं, सर्वत्र परमात्मा नमीक्षते, ये वाला हो गया उत्तम भागवत के लक्षण। दूसरा प्रश्न और उत्तर हो गया, टाइम देख लो मुझे, तीसरा वाला राजा पूछते हैं, परस्य विष्णु ईशस्य माई नाम अपि मोहिनी मायाम वेदितुम इच्छामः भगवन्तो प्रमथुरः, ये सबको मोहित करने वाले भगवान के माया के बारे में बताइए, ये राजा ने जब पूछा अंतरिक्ष जी आंसर देते हैं, कौन है अंतरिक्ष ऊपर वाले, रहने नाम भी बढ़िया है, आप लगाओ ना नाम, क्या है आपका पुत्र नाम, कवि सबसे बड़े का, दूसरा हरि, तीसरा कौन है अंतरिक्ष, चौथा कौन है बुद्ध, बुद्ध नहीं प्रबुद्ध।
यह लिखा है। फिर ये भी भूतानि भूतात्मा, फिर पूरे चैप्टर में माया का जो है वर्णन, मतलब हाउ इट वर्क्स, याद हमेशा रखना, माया को कोई देख नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन माया के गुण या उनका रिएक्शन रेस्पॉन्स को देखकर वहां माया का असर है। माया इज शक्ति, रिमेम्बर, कोई भी शक्ति कभी देखा नहीं जाता, शक्ति के रिजल्ट दिखते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हो, भाई मिस्टेक हाथ लग गया, वो गरम गरम तवे या किसी पे हल्का सा जल जाता है ना, बोलो, फिर थोड़ा सा वो सफेद वाला हो जाता है कि नहीं, वो क्या सब बन जाते हैं, देन बबल आउट दैट बर्निंग, रूबरू बोलते बन गया, फिर पूछते हैं कि क्या हो गया, जल गया, मतलब अग्नि वाला दाहक शक्ति ने इसको जलाया, द बर्निंग पावर ऑफ द फायर हैज बर्नड इट। अब बर्निंग पावर दिखाओ, फायर दिख रहा है और इधर ये भी दिख रहा है भूरा जल गया, पर किसने जलाया इसको, अग्नि ने नहीं जलाया, अग्नि के अंदर शक्ति है, वो जलाते अग्नि भगवान, शक्ति माया, कहीं दिखती है क्या, यू कांट सी इलेक्ट्रिकल पावर, और उसका इफेक्ट यू कैन सी, इसलिए बिजली है कि नहीं जब पूछते हैं तो क्या करते हैं, उंगली लगा के स्विच ऑन करके हिलकर दिखाते हैं कि नहीं बोलो क्या करते हो, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल रहा है, फैन घूम रहा है, मिस्टर बिजली इज देयर और मिसेस बिजली जो भी है, नहीं है तो नहीं, तो कभी शक्ति का दर्शन नहीं होता। फिर गाड़ियां चलते हैं कैसे है? पेट्रोल से नहीं चलते हो, पेट्रोल से बना हुआ हॉर्स पावर से चलते, घोड़े का पावर, गधा कोई नहीं होता, नहीं नॉट अ डॉग की पावर, तो शो द हॉर्स पावर, लाइक मैं बात कर रहा हूं आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं, आपका नींद उड़ जा रहा है, आई नो दैट, तो मैं किससे बोल रहा हूं, ये वाणी का शक्ति है, वाणी यू कैन लिसन, यू कांट सी द पावर ऑफ स्पीच, स्पीकिंग पावर, इसी तरह यू कांट सी द माया, दैट इज माया, डोंट आस्क क्वेश्चन अबाउट माया, आंसर अबाउट माया इज वॉट, दैट इज देयर बट अबाउट विच यू कांट अंडरस्टैंड, दैट इज माया। फॉर एग्जाम्पल वो तो है पड़ा उधर रस्सी ही, इस 100% भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा रस्सी ही, उसने देखा हमें, हमको सांप दिखाई दिए, फिर उसने हमको थोड़ा समझा के धीरे धीरे पास में ले जाकर टॉर्च लगा के डंडे से हाथ से स्पर्श करा के दिखाया, तो हमें भी पता चल गया कि ये रस्सी है, तो उसमें रस्सी पहले से था और गुरु को पता है, और हमको बीच में माँ हो सांप दिखा रहा, किस कारण से सांप दिखा, उसका कोई आंसर है क्या, कहां से आया हो, था ही नहीं लेकिन है, जब तक सांप देखा तब तक सांप दिखा के नहीं, भ्रम हुआ, भय लगा ना, एक्सपीरियंस वाज ओरिजिनल, सांप को देखकर जो डर हुआ, फिर पसीने आ गए, हार्ट अटैक भी होता है, भाग के डर जाते हैं, कॉन्सिक्वेंस सब हुए, बट चीज है ही नहीं वहां, किसने बनाया उसको, उसको बोलते माया, क्योंकि उसको आप जवाब नहीं दे सकते, सरेंडर टू गॉड, बस हो गया प्रश्न पूछना कम करके जो करना है थोड़ा सा जानकर करते जाओ, जो होना है होता ही रहेगा। माया का ये ऐसा माया भगवतः सर्गस्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णित अस्माभि कि मैं श्रोत मिच्छे से, इसमें फिर भगवान का रजोगुणी शक्ति माया वाला सृष्टि बनती है, सत्वगुणी शक्ति जिससे स्थिति होता है, फिर भगवान जब तामसिक शक्ति को अपना वो इन्वोक करते हैं तमोगुण को, नॉट तामसिक, तमोगुण शक्ति को, उससे वो प्रणय करते हैं, ये माया है, वो जो है अंतरिक्ष जी शॉर्टकट में बताते हैं। फिर फोर्थ प्रश्न, राजा हुआ था, देखो बात है ज्ञान के वेदांत के, आते जाएंगे पूरा ये 11वां स्कंद, शुड हैव द टाइम पेशेंस, सुनने की शक्ति, स्वामी जी नहीं था। फिर राजा हुआ था, यथा एताम ऐश्वरी मायाम दुस्तराम अकृतात्मभिः तरन्ति अंजः स्थूल देहः महर्षा इवर्षेद उच्यताम। Then the fourth question is very important and जरूरी वाला है, वो क्या है, माया को तो आपने बताया उसमें हम सब बस जाते हैं भी, इसको पार कैसे करना है, ये सीधा इट इज इंपॉर्टेंट नो, हाउ टू गो बियॉन्ड माया, पार कर कैसे जाना है, माया को पार करें वहां भगवान मिलेंगे, माया में फंसेंगे तो ही रहेंगे। हमारे गुड़िया के फोन के ऊपर लिखा है सब माया है, इसलिए कोई इसको चुराना नहीं वेरी इंटरेस्टिंग ग्रेट, इसी से पता चलता है अच्छे गुण है, पुटिंग दैट सेंटेंस एट दैट टाइम इज इट इज इट्स नॉट एन इजी थिंग, सब मोह माया, दिखाओ सबको फोन की तो है, हाँ सब लोग दर्शाओ, देखो पढ़ रहे कि नहीं सब लोग,
तो उनका फोन भी आपको दिखाई दिया, सब मोहमय, सब ठीक तरह दिखाओ पापा आता है पढ़ने को, मेरे को क्या देख रहे हो, मैं थोड़ी मोह माया, उधर लिखा है सब मोह, इंटरेस्टफुल है, स्टिक टू दैट वर्ड, डोंट गेट अटैच टू एनीबडी एनीथिंग, डोंट यू अलो एनीबडी टू अटैच, यू विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना, ना फंसो ना फंसाओ, हंसो हंसाओ, बट नहीं, दैट इज अट हाइएस्ट थिंग, दैट इज सब कुछ मोह माया है, रख लेना, फिर भगवान है, मोह माया सब कुछ है, करने से दुख होता है, ग्लानी होती है, जिंदगी के लक्ष्य वो नहीं है, सब कुछ मोह माया छोड़ो, उसके बाद सब कुछ परमात्मा है, अगले भागवत में मैं उसके फोन में वो देखूंगा है ना, सब कुछ परमात्मा ही स्वरूप है, एवरीथिंग इज गॉड, गॉड, फिर माया को कैसे पार करना है, मैं ये पॉइंट स्किप करूं कि बोलूं, सुना है कि नहीं सुनना, कोई हाँ नहीं बोल रहे बाबा, अब क्या करो, ट्रेन कल शाम को बुकिंग हुई है, अब धक्का दोगे तो भी जा नहीं सकते, मजबूरी से नहीं सुनना, प्रेम से सुनो, फिर लॉट ऑफ थिंग्स ही सेज, बट एक श्लोक है कि कर्माण आरम्भाण आराम दुखाते सुखाय पश्चित भागव परिहासम मित्री करके, ओनली फर्स्ट टेक्निक इंपॉर्टेंट कहते हैं, इन सब माया और उसके बने हुए सारे उसको पार करना है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाप्ते परे च निष्णातः ब्रह्मणि उपशमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरु आत्मदैवतः अमायया अनुवृत्त्यायै तुष्येदात्मात्मदो हरि, आया ये बात एक आध बार, बट लेकिन लिटिल मोर डीपली एंड एलाबोरेटली कहते हैं, यू कैनॉट अंडरस्टैंड और खुद भी अपना पता करके जा नहीं सकते, इसलिए ऑलरेडी जो पार कर चुके हैं ऐसे गुरु महाराज के पास जाना है, फिर उनके पास जिज्ञासा को लेकर जाना है, होने गुरु शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय, उनको शब्द ब्रह्म वेदों का भी ज्ञान हो, फिर परम ब्रह्म का अनुभव भी, उनको वेदांत भाषा में कहते हैं बोलो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म अनुभव है सिद्धांत का अनुभव, श्रोत्री भी है, मतलब गुरु परंपरा से उन्होंने ये तत्व का श्रवण उपनिषदों का किया है, फिर तत्र वहां जाकर क्या करना है, आश्रम में जाकर गुरु के पास, उनसे ऐसे गप्पे नहीं मारना, मिलकर सिनेमा टीवी क्रिकेट नहीं देखना, उनको भी खराब नहीं करना, गोइंग इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन ऑफ पॉइंट क्या है, है ना, जब अब तो बाल मेरे व्हाइट भी हो गए, निकल गए, कोई मेरे पास आते नहीं, लेकिन 20 साल पहले जब हम पहले कच्चे कच्चे पिल्लो कपड़े में थे ना, सारे माता लोग मेरे पास आकर कोई भी फल हो या खाना लाकर इतने तरस भाव से मेरे को देखकर कर थे, बेचारा स्वामी जी अब बाबा जी क्यों बने अब देखो मैं भी रोया बहुत बार, कहने को कि मेरे को कोई शादी नहीं की, कहीं फेल हो गया, नौकरी किसी ने दिया, ये सब सत्य नहीं है, तो दुनिया को देख कर चख कर कुछ नहीं है करके जो फेंकता है वही साधु बन सकता है, स्पिरिचुअल साधु बनना एस्केपिज्म नहीं है, कमजोरी नहीं है, ये ताकत वाला ही कर सकता है, एंड ये और भी मजेदार बात है, टॉपिक है, सारे जो ग्रस्त लोग सोचते हैं बाबा बन गए इन्हें कुछ भी नहीं पता, इसे कहते हैं स्वामी जी आपको पता नहीं, अरे बाबा सब पता है इसलिए तो इधर आ गए, आपको ही नहीं पता इसलिए फंसे हो इवन फॉर स्मॉल लिटिल थिंग ऑल्सो, साधुओं को पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, विचार करने की जरूरत नहीं होता है, वो भगवान से इतने ट्यून्ड होते हैं, उस समय क्या बेस्ट आंसर है भगवान उनके मुख से निकलवाते, दे आर द काउंटर्स फॉर द गॉड्स एक्सप्रेशन, वी आर ऑल एनकाउंटरिंग गॉड्स ग्रेस, तो ये फर्क है, उनके मुख से कोई बात निकलती है वो महावाक्य ही अनुग्रह होता है, इसलिए कहा वहां जब जाओगे तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरु आत्मदैवता, गुरु कौन है, दैव के समान मानकर उनसे भागवत धर्मों को पूछ, नेवर यू नो लॉन्ग स्मॉल लिटिल क्वेश्चंस वगैरह पूछे तो बहुत दुख होता है, देखो राजा परीक्षित श्रेयस के बारे में पूछे तो सुखदेव जी इतने खुशी से आनंद देते हुए 7 दिन रह गए कि नहीं, अगर ऐसा वाला प्रश्न परीक्षित ने पूछा होगा सुखदेव जी कहते मैं चला, यू डोंट डिजर्व माई प्रेजेंस, फिर इसके बाद कहते हैं अमाया अनुवृत्या, ये 2 शब्द है, अमाया माया नहीं रहना वहां, अमाया मीन्स नॉट विद चीटिंग एटीट्यूड ऑफ एनीथिंग, कपट भाव नहीं रहना वहां,
लाइफ में कुछ लोग होते हैं, ये ब्लेम करने को नहीं है, दे आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम. क्या है, बाहर तो इतने मुस्कुराते स्वामी जी नमस्कार, लेकिन अंदर इतना द्वेष गुस्सा. किसी को द्वेष करना ही नहीं है, अगर मजबूर है एटलीस्ट संतों के यहां बचकर रहना. हमारे यहां नेवर गेट एंटर इन टू दैट रिस्क जोन. हमारा इसलिए भागवत का एक हिस्सा बना, ये बात इतना इंपॉर्टेंट है. देखो प्रबुद्ध जी बात कह रहे हैं, हमाया देन अनुवृत्ति. अनुवृत्ति मीन्स निरंतर सेवा भाव से सेवा करना. भाव रखा लेकिन सेवा नहीं किया, उसे भी बात नहीं बनती. सेवा तो कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है, हर बार भाव मांग रहे हैं, इसका भाव दे दो मेरे को. फिर यही तुझे आत्मा आत्मनो हरि, इस तरह से फिर उनके द्वारा सारे कथाएं सुनकर फिर जब परिपक्व होता है तकर्ण, देन जब आपको दोनों में एक या दोनों भक्ति और ज्ञान मिलते हैं तो यू विल क्रॉस द माया. व्हाट इज द माया? स्टेट ऑफ माया क्रॉस करना मतलब स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन इनसाइड एंड आउटसाइड. आनंद में रहना, रिलैक्स में रहना, नॉट टेंस. क्योंकि मेरे तो गिरधर गुरु भगवान है तो क्यों डरना है. अभी सर उनका ज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, वो उस तरह का जो एब्सोल्यूट शांति का अनुभव वो माया को पार करने का हो जाता. जस्ट लाइक आई गिव अदर एग्जांपल, जब ऑफिस से घर आते हो तो थ्रू आउट द जर्नी में डर लगता ही रहता है, कब पेट्रोल खत्म होगा, गाड़ी का क्या होगा, कौन आगे से पीछे से. फिर जब गाड़ी गैराज में पार करके घर में जाकर सोफे में बैठ जाते हो, 7 दिन कैंप होने के बाद जब घर जाकर आराम से, तब कि मैं सोच रहा हूं जो भी भागवत के बातें याद आते निकल जाओ निकल जाओ, ठीक है ना, रिलैक्स ना, रिलैक्सिंग वाला जो होता है ना. आर यू रिलैक्सिंग? नो, आई एम समबडी सिंग. यू एंड आस्क समबडी आर यू रिलैक्सिंग? हाँ, किसी ने आपको ढूंढना है, कोई ढूंढ रहा है आपको, शॉर्टकट पे बताए वाला. तो ये हो गया माया. फिर वो लोग कैसे रहते पार करके, क्वचित रुदंती अच्युत चिंतया, प्रहलाद जी के जो लक्षण है. फिर हसंती नंदंती वदंती अलौकिका नृत्यंती गायंती अनुशीलयंती अजम भवंती तुष्टि परमेतनेमृता. सो डिफरेंट इंटॉक्सिकेशन ऑफ भक्ति और ज्ञान पारवश्यता में रहते हैं. तो उस लक्ष्य, उसको लक्ष्य बनाना है. एंड इवन नाउ हर एक सदी में, हर एक दशाब्द में, हर एक वत्सर में, हर जगह पे ऐसे संत भगवान जरूर भेजते हैं टू गाइड अदर्स, प्रोटेक्ट अदर्स. हम ढूंढे तो हमको मिल जाते, मिल गए तो उनका चरण पकड़ो फिर पार करो. हो गया, कितने हो गया प्रश्न? कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध. अब पांचवा, नारायण विधान से ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठा अर्हत वो वक्तुम यूयम ही ब्रह्म वित्तमा. ये भगवान नारायण के प्रति निष्ठा पाने का, ये जो है टोटल निष्ठा पाने का टेक्निक पद्धति क्या है पूछा. पिपलायन जी कहते हैं, स्थिति उद्भव प्रलय हेतु हेतु स्वप्न जागर सद्बहिश्च देहेन्द्रियासोरुदान चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र. तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये सारे तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिस चैतन्य में है, आई एम अवेयर ऑफ वेकिंग है कि नहीं, आई एम अवेयर ऑफ वेकिंग एक्सपीरियंसेस एंड आई एम अवेयर दैट वेकिंग वर्ल्ड इज देयर एंड आई एम अवेयर आई एम द वेकर. सो टू स्वप्न के जगत का अनुभव होता है कि ये स्वप्न है ये भी अनुभव होता है. सो टू निद्रा, ये तीनों के साक्षी कौन है? वही नारायण है. उनमें निष्ठा पाओ तो आपको, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मिलेगा. फिर पांचवा हो गया, छठे में राजा पूछते हैं, कर्मयोगम वदतनः पुरुषो येन संस्रुति विधूय इह आशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम. कर्मयोग क्या होता है आप बताओ? वर्ण प्रश्न. कर्म योग, खरम पूटा नहीं, कर्म योग की बात हो रही है. तो गीता जी में विस्तार से आता है, थोड़ा उससे लिटिल बिट इतना हटकर यह बताते हैं. तीन तरह के कर्म होते हैं, एक होता है कर्म बोलिएगा, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म. कर्म मीन्स धर्म, टू बी डन और टू बी डन. जिसका करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं करने से बहुत नुकसान. तेरा सम एक्शन, जैसे दांत मांजना, इससे बड़ा कभी अवार्ड मिला क्या किसी को? मिस्टर दंत मांजन भूषण,
ना मिला किसी को क्या डेली दांत मारे नहाने से? बोलो नहीं, नहीं मिला, आप दे दो ना, ऐसा देख रहे हो मेरे को। लेकिन नहीं धोने से सत्यानाश। इस बारे एग्जाम्पल के दिया मैंने, कर्म धर्म क्या होता है, डोंट डू सब प्रॉब्लम, डू यू आर नॉट ऑब्लिगेटिंग एनीबॉडी, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दैट। प्रेम से बात करना ये बड़े बात थोड़े, मनुष्य में तो प्रेम से बात करना है, वो धर्म है, उसका विशेष फायदा नहीं, नहीं करो तो नुकसान। कर्म देन अकर्म मतलब क्या हुआ, हम सब जानते हैं ना, बैठे रहना। कुछ लोग कहते हैं टेंशन ना लेना सब जी, सब हो जाएगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट लिए ग्रुप ऑफ पीपल, तो सबको मिलकर काम करना है। मिला एक बंदे को बुलाया जो अच्छा है, कहां से आया, अपने मेंबर बनाना चाहते हैं, कहा आ जाओ आप भी। उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं, काम हो जाएगा, चिंता मत करो। ये लोगों ने प्लान की क्या करना है, प्रोग्राम कहाँ करना है, फिर रिसोर्सेस को भी गैदर किए, एक महीना ही टाइम उसके लिए, जाकर पूछे अब आप मदद करो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा। फिर एक हफ्ता, फिर चार तीन दिन, एक दिन ही बचा है, जाके पूछे भैया कुछ आओ हेल्प करो, वी नीड पीपल। तुम लोग तो ऐसे हो ना, टेंशन लेते हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। फिर काम शुरू हुआ, आधा भी हो गया, काम भी खत्म हो गया, जो सब खत्म होकर पार्टी होने लगा, तब आकर वो बोलता है मैंने बोला कि नहीं हो जाएगा, हो गया। वेरी इंटेलिजेंट देयर आर सम पीपल, ये सब क्या है, अकर्मी है वो, अपने बिस्तर से सोफे से हिलना नहीं, एंड देन खुद हिल के समान बनना। इंग्लिश में हिल मतलब पहाड़ होता है। अकर्मी, उनको लगता है मैं काम करूं तो मेरा जो ईगो हर्ट होता है, मेरा पड़कपन छोटा हो जाता है, फिर दे विल टेक मी फॉर ग्रांटेड एंड ऑल दैट, कुछ नहीं करना। सब बाबा, आजकल सब बाबा बन गए, गृहस्थ भी ये सब भी, जो थोड़ा वेदांत मिल गया तो बड़े बड़े। नेवर डू दैट अकर्म। तीसरी बात है विकर्म, क्या है विकर्म, मतलब विपरीत कर्म, ऑल अवॉइडेबल कर्म, जो नहीं करना है, निषिद्ध कर्म कहते हैं उसको, प्रोहिबिटरी एक्शन। ये तीनों बताकर विकर्म को छोड़ो, अकर्म को छोड़ो, सत्कर्म को करो, बाद में फिर धीरे धीरे भगवत अर्पित कर्म। गीता में पूरा विस्तार से सब्जेक्ट आ जाता है, यज्ञात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधन। हाँ, चार तरह के कर्म कहते हैं होते हैं, एक निषिद्ध कर्म बोलिएगा, दूसरा काम्य कर्म बोलेगा, तीसरा नित्य कर्म बोलेगा, चौथा नियत कर्म। निषिद्ध प्रोहिबिटरी, काम्य डिजायर प्रॉम्प्टेड, नित्य जो डेली करने वाला, देन दो नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म, ऑकेशनल ड्यूटीज, ये भी नैमित्तिक कर्म है। तो इस तरह से वो विवेचन बहुत है वहां, इन्होंने इतना बताया। देन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक एक है, वेदोक्तमेव कुर्वाणः निस्संग अर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुति। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये विश्लेषण करने वाले बात है, जो वेदों में बताया उतना कर उसका फल भी ईश्वर को सुना देते रहो, धीरे धीरे नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करो। उसके अलावा जो बाकी सारे दूसरे ग्रंथों में दूसरे वक्ताओं से बहुत सारे यज्ञ याग पूज इत्यादि के बारे में सुनकर, ये करो तो वो लोक मिलेगा, ये करो तो ये मिलेंगे, ये सब रोचनार्था, ये आपको सिर्फ दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल की तरह, ये आपको फंसाने वाले धसाने वाले ही है, उस पे बसना नहीं। फिनिश योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज परमात्मा को प्राप्त करना, सारे बाकी कट शॉर्ट करो। ये सबको बताया नहीं जाएगा, ये जो भागवत सप्ताह में है लाइव उन्हीं के लिए, नहीं तो आप ये सोच रहे होंगे स्वामी आप जिस जगह सब लोग भगवान के लिए बैठेंगे तो दुनिया को कौन खराब करेगा, अरे बहुत बैठे वहां। हजार बार सुनाओ आपको दुख हो जाएगा, रोएंगे भी। सात दिन सत्रंग इतना सुनने के बाद भी ध्यान में बैठने का कोई गारंटी है क्या अपना? फिर बाकी लोगों का क्या बात है? डोंट वरी, इट्स नॉट इजी टू बिकम स्पिरिचुअल। पॉइंट ये है कि रोचनार्था फलश्रुति ही, क्लैरिटी होना है हमारा पूरा लाइफ का जो है मैप, हमारा रोड मैप। 70 years और 80 आई एम गोइंग टू लिव, नाउ आई एम सो एज, व्हाट आर इमीडिएट ड्यूटीज, कितने साल निभाना है, इसका क्या है, और क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग प्लानिंग प्रॉपर है अकॉर्डिंगली वो करते हुए, जो थोड़ा सा बीच में अल्टर करने की जरूरत है करते रहोगे ना, सिंपल एंड ब्यूटीफुल लाइफ जस्ट लाइक कृष्ण। वो क्लैरिटी है उनको, मुझे जन्म लेना है जेल में, उसके बाद यादों वृंदावन में गोकुल में सबको खुश करना है, बाद में मथुरा जा करना है, ही हैड ऑल द क्लैरिटी। इसलिए हमेशा जिनको क्लैरिटी होती है ना, वो काम मुस्कुराते करते, ही वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग देयर।
आया समझ में कर्म के बारे में? विकर्म अच्छी बात है क्या बोलो? अकर्म करना क्या चाहिए? कर्म, फिर सत्कर्म, भगवत कर्म, श्रवण कर्म, ध्यान कर्म, ये करते फिर अनुभव को पाना है। ये उन्होंने बताया आविर्होत्र फिर आत्मानं तन्मयं ध्यानं मूर्तिम संपूजित हरे शेषाम आदाय से सदाम ने उद्वास सत्कृतम। इसका डिटेल ये क्या है? एक तो उपासना कर्म की भी बात थोड़ी आई है। श्री यज्ञ दान तप कर्म नत्याज्य कार्य में बदत क्यों यज्ञो दान तपस्या भावनान मनीषिणाम। गीता में कहते हैं कि करने वाले कर्मों में यज्ञ कर्म भी है, दान कर्म भी है, पूजा इत्यादि भी है, धर्म भी है, दे हैव टू बी डन। दैट इज अपने समय को अपने रिसोर्सेस को सद्विनियोगम कर सकते हैं। ये हो गया जवाब। फिर अगला वाला यानी यानी यह कर्माणि यैर् यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरि तानि ब्रुवन्तु नः। नेक्स्ट वाला सातवां प्रश्न बड़ा वाला है। पूछते हैं भगवान क्या क्या अवतार लेके क्या क्या वो काम किए? शायद वो समय राजा ने भी भागवत सप्ताह नहीं सुने होंगे। देन यहाँ द्रुविड़ महाराज पूरा संक्षेप में मुख्य मुख्य अवतार भगवान के उन्होंने उसने मुख्य रूप से क्या किया वो बताते हैं। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि ही हरि अनंत हरि कथा अनंत है कि नहीं गुरु अनंत। वो जो अनंत कथा है भगवान के अनुक्रमिष्यन्ति जानना चाहते है सब कुछ वो तो बाल बुद्धि वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।